सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक RC हेलीकॉप्टर जो कि हमने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से 350 रुपीज में। सो आज हम लोग करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। एंड अब अनबॉक्स करने के बाद हमें मिलता है यहाँ एक्सीड का एक हेलीकॉप्टर। इस बॉक्स पे हमें कुछ फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें इंडोर एंड आउटडोर मोड अवेलेबल है। इसमें LED लाइट्स भी दी हुई हैं जो कि हमें नाइट में फ्लाई करने में हेल्प करेंगे। एंड इसमें 360 डिग्री रोटेशन दिया गया है एंड हाई एंड लो वोल्टेज प्रोडक्शन भी दिया गया है चार्जिंग से। एंड इसमें हैंड गेस्चर्स भी दिए हुए हैं। तो ओवरऑल पैकिंग इसकी कुछ सही ही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में तो हमें एक अच्छी RC कार की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो बॉक्स के अंदर मिलता है हमें सबसे पहले एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल, जिसमें कि हमें 3 बटन्स मिलते हैं, एक ऑन ऑफ का, एक स्टार्ट का एंड एक अप का। एंड इसमें 2 AAA बैटरीज इंस्टॉल होती हैं जो कि पहले से नहीं आती हैं, हमें खुद से परचेज करके लगानी होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एक USB टाइप ए केबल। एंड यार ये केबल इतनी बड़ी है कि यार ये हेलीकॉप्टर हमें सीधा स्काई में ही चार्ज करना होगा। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा जो मेन हेलीकॉप्टर है वो। सो ये मेन हेलीकॉप्टर तो यार बहुत ही छोटा है। इसमें नीचे की तरफ हमें मिल जाता है एक USB टाइप ए चार्जिंग पिन, उसके जस्ट नीचे एक ऑन ऑफ का बटन एंड एक हैंड सेंसर। एंड गाइस अभी इसे उड़ाने का टाइम आ गया है, तो चलिए इसे उड़ाते हैं। गाइस यार ये तो यार भी नहीं रहा यार। सो अभी हमने इसे हैंड में ले लिया ताकि ये उड़ जाए। अभी गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ, यार ये तो नीचे ही चला गया यार, ये तो उड़ना ही नहीं चाह रहा है। सो मैं अभी एक बार फिर से ट्राई करने जा रहा हूँ। ये क्या है यार, इसके ब्लेड से टूट गए। सो इसे ज्वाइन करने के बाद हम लोग इस एक बार फिर से ट्राई करने जा रहे हैं। एंड आउटडोर का रिजल्ट तो मैंने देख ही लिया, अब मैंने सोचा इंडोर भी ट्राई कर लें। सो गाइस ये भरतनाट्यम कर रहा है। ये क्या है, ये भगवान क्या जुलुम है, मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो। ये गड़बड़ है बाबा। सो गाइस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जिसने लाइन बोली अगर मुझे मिल जाए तो मैं बम से उड़ा दूं सामने। सो गाइस ये हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। बाय द वे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे इस हेलीकॉप्टर के साथ क्या क्या होने वाला है ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।